जो नहीं करे तो ये द्रव द्रव ही नहीं रहता। जो द्रव की इसकी भावना उस अवश्य इस रूपे परिणमन होता ही है, होता बिना रहता ही नहीं। चैतन्य से यदि भावना होती है इसे नहीं, चैतन टक नहीं सकता है ऐसी भावना अवश्य। इसी इसकी परिणति पर्याय ऐसी होती है, थोड़ी काल लगे भले पर ऐसी अवश्य इसकी पर्याय उस रूप होती है। लगता भी है अंतरंग से रुचि हो तो हमें जरूर फलेगा, ऐसा अब जाना नहीं रहेगा। रुचि होती है तो अवश्य भी फलता है जी। जिसकी रुचि हो उसका पुरुषार्थ उसकी तरफ हुए बिना रहता ही नहीं। रुचि हो तो पुरुषार्थ उसी तरफ रहता है। जिसकी रुचि बाहर में होती है तो बाहर में पुरुषार्थ होता है, रुचि भीतर में होती है तो भीतर तरफ का पुरुषार्थ होता है। यानी मंदता हो जाए तो फिर से इसका पुरुषार्थ उसके तरफ होते बिना रहता ही नहीं है। जिसको जो भावना होते तो अवश्य उसके तरफ गए बगैर रहता ही नहीं है, अवश्य जाता है। थोड़े समय मंद पड़ जाए तो फिर प्रकट हो, तो फिर भी होता है, मंद हो तो भी फिर प्रकट होता है। फिर भीतर में जो भावना हुई कि मेरे चैतन्य के सिवा और कुछ चाहिए नहीं, तो उसके कहीं चैन नहीं पड़ता, उसे रुक नहीं सकता कहाँ, इसे चैन नहीं पड़ा तो ये चैतन्य के ग्रहण करने के रहते ऐसे रहता है वो। ये परिणति उसके रूप होती है। ऐसे नियम सार कलश में आया है कि मुनिराज कहते हैं मुक्ति व संसार में अंतर नहीं है, तो ऐसा कैसे? हम तो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं और वहां मुनिराज बोलते हैं कि मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है, तो कैसा अंतर नहीं? पुण्य पाप जैसा अंतर नहीं या क्या हो वहां भाव लेना? वो द्रव की अपेक्षा है, द्रव जैसा मुक्ति में जैसा द्रव है वैसा ही संसार में द्रव तो शुद्ध ही है, शुद्धता से भरा है। जैसा भगवान का द्रव है वैसा अपना द्रव है, और मुक्ति वो तो पर्याय पलटते है, द्रव तो वैसा ही वैसा रहता है। मुक्ति और ये सब विकल्प, ये विकल्प के तोड़कर भीतर में जाता है तो एक मुक्ति ही देखने में आता है। द्रव तो मुक्त है, पर्याय में बंधन होता है ऐसे कहते हैं। अरे इसके लिए वो पुरुषार्थ नहीं करना, ऐसा अर्थ नहीं है। ये द्रव दृष्टि द्रव की तरफ देखो तो मुक्ति देखने में आती है। जैसे सिद्ध भगवान का द्रव है वैसा अपना द्रव है, ऐसा सिद्ध जैसा वो मुक्त स्वरूप है, इसको बंधन हुआ ही नहीं, इसको विवाह हुआ ही नहीं। तो जो विभाव हो गया तो छूटता नहीं तो स्वभाव हो जाए, जो विभाव उसके भीतर में चला गया, भीतर में हुआ नहीं, द्रव में वो विभाव नहीं है, कुछ है ही नहीं। इसलिए मुक्ति और संसार में कोई भेद देखने में आता ही नहीं। द्रव की अपेक्षा से देखो तो आत्मा मुक्त स्वरूप ही है, इसमें कोई भेद नहीं देखने में आता। पर्याय को गौण करके आचार्य देते थे, पर्याय ऊपर दृष्टि नहीं देते, हम तो द्रव को देखते हैं। पर्याय के पर्याय तो गौण करके और द्रव के मुख्य करके सिद्ध भगवान जैसा आत्मा मुक्त स्वरूप है, उसमें कुछ भेद देखने में आता ही नहीं है। ऐसे मुक्त स्वरूप तो भी इसका द्रव ऐसा है तो भी आचार्य भी पुरुषार्थ करता है, छठे साथ में घुसाएं झूलता है, यानी कहता है कि संसार और मुक्ति में कुछ फेर नहीं है, फिर भी पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी छठे साथ में गुण स्थानी झूलता है, साथ में और छठे साथ में से झूलता है। और कोई मुनिराज श्रेणी मान के केवल ज्ञान पाता है, पुरुषार्थ करते और कहते मुक्ति और संसार में भेद नहीं है। एक द्रव्य तरफ से देखो तो आत्मा मुक्त ही देखने में आता है। मुनिराज को ऐसा अपना आत्मा देखने में आया मुक्त स्वरूप, तो उनको संसार और मोक्ष में कोई अंतर नहीं लगने लगे, कोई अंतर नहीं देखने। द्रव तो ऐसा ही है, मुक्त स्वरूप है, मेरे कोई बंधन लगा ही नहीं, मेरे में कोई मलिनता हुई नहीं। हाँ क्या है ये, क्या हुआ, मैं तो शुद्ध स्वरूप ही हूँ। इस मुनिराज को ऐसा द्रव दृष्टि के बल से ऐसा लगता है। बेंसरी आज सवेरे गुरुदेव श्री की टेप में आया था द्रविंद्री भाविंद्री और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, तो वहाँ पे अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि
वो भी इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ में लिया, किंतु प्रवचन सार की 80 गाथा में आता है जो जान दिया अंतम द्रव्य गुण पद्धति ही, तो वहां तो द्रव्य गुण पर्याय को जानता उसका मोह लय को प्राप्त होता है ऐसा कहते हैं। तो गुरुदेव बोल उसकी चेप में आया था कि इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ को इंद्रिय जान को उसको जीतना, उससे भिन्न अनुभव करना, तो कैसे अभिप्राय से वहां 80वीं गाथा में लिया और गुरुदेव ने किस अभिप्राय से लिया? ये दूसरी बात है और दूसरी बात है, अपेक्षा दोनों दूसरी है। वो क्या क्या अपेक्षा? वो जितेंद्रिय स्वरूप आत्मा, द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय विषयभूत पदार्थ, इन्हें सबसे आत्मा भी नहीं, ये पदार्थ भी नहीं, भावेंद्रिय सर्वक्षम ज्ञान जितना भी आत्मा नहीं, आत्मा तो पूर्ण स्वरूप आत्मा ही, आत्मा में कोई ज्ञान कम हो गया और वृद्धि हो गई ऐसी कोई अपेक्षा उसमें लागू नहीं होती। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप पूर्ण शुद्ध आत्मा है, ये सब द्रवेंद्री भावेंद्री सबसे भिन्न आत्मा को देखे, ऐसे भिन्न देखने से और भेद ज्ञान होता है, स्वानुभूति होती है, इसको जितेंद्री कहने में आता है सब। पर भगवान का प्रवचन सार में द्रवगुण पर्याय को जी, भगवान का द्रवगुण पर्याय को देखते अपने को देखते, तो वहाँ निमित्त उपादान का संबंध दिखाते हैं कि ऐसा प्रबल निमित्त भगवान का है अनादिकाल से, ते आत्मा को पिछाना नहीं, और तू आत्मा को पिछाना होवे तो भगवान की दिव्य ध्वनि भगवान का द्रव्यगुण पर्याय को समझ ले तो अपना आत्मा को समझ में आता है। जैसा भगवान का आत्मा वैसा अपना आत्मा, ऐसे द्रव्यगुण पर्याय अपना को देखे वे भगवान को देखते, ये निमित्त उपादान का संबंध दिखाते हैं। वो कहते तम तू सबसे भिन्न है, भगवान की ध्वनि सुने तो विराग आता है, तो प्रशस्त राग है, तो प्रशस्त राग है इसको तोड़कर स्वरूप में लीन हुए कोई मुनियों केवल ज्ञान पा लेता है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुने और राग टूट जाता है तो ये वितराग हो जाता है तो केवल ज्ञान पाता है। तो ये बीच में राग आता है दिव्य ध्वनि सुनने में, इसलिए वहाँ विषयभूत पदार्थ है, ये पर्याय दृष्टि से ऐसे के नमाते हैं, द्रव्य दृष्टि से आत्मा भी नहीं, राग पूर्ण वितराग स्वरूप आत्मा है इसको तू देख ले, ये तो सब बाह्य बाह्य दृष्टि होवे तब दिव्य ध्वनि सुनने का राग होता है, इसलिए तू पूर्ण द्रव्य दृष्टि यथार्थ स्वरूप को देख ले कि मेरा आत्मा में एक सूक्ष्म राग इना प्रशस्त राग भी मेरा आत्मा का स्वरूप नहीं है, जो बाहर उपयोग जाने से राग आता है, इसलिए तू स्वरूप में लीन हो जाए तो राग है, परंतु ये राग बीच में आए बिना रहता नहीं, कारण के हजी स्वरूप को समझा नहीं, पूर्ण वितराग दशा हुई नहीं, तो छदमस्त तो प्रशस्त राग आता है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में राग आता है इसको तू जान, पर इसका भगवान का द्रव्य गुण पर्याय तू समझ तो अपना स्वरूप समझने में आता है, ऐसा निमित्त उपादान का संबंध है। अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भगवान की कोई देशना लब्धि हुए तब सम्यक दर्शन को निमित्त कारण कहने माते, उपादान अपना होता है, कोई भगवान का कोई गुरु का ऐसी वाणी सुने तो अपना अपने स्वरूप को समझते, पर वो समझा वो समझाने में वो कर नहीं देता है, पर अपने पुरुषार्थ से होता है तो भी वो निमित्त होता है, ये कर नहीं देता है वह उपादान अपना तो भी नियमित होता है भगवान का, इसलिए भगवान की वाणी को सुने तो अपने आत्मा को समझ में आता है, आत्मा को समझे वे भगवान को समझते, ऐसा निमित्त उपादान का संबंध है। निमित्त उपादान का संबंध बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं, राग बिल्कुल होता ही नहीं ऐसा द्रव्य दृष्टि में नहीं पर्याय में होता है, इसलिए प्रशस्त राग आता है और निमित्त उपादान का संबंध है, इसलिए ऐसा संबंध ऐसे पर्याय दृष्टि से विचारना और द्रव्य दृष्टि से विचारना। जितेंद्री वाला द्रव्य दृष्टि से कहा, द्रव्य दृष्टि का वहाँ पर्याय दृष्टि से, वहाँ पर्याय दृष्टि का ज्ञान कराया, निमित्त उपादान का संबंध का ज्ञान कराया है। हूँ जीव हूँ, ये अजीब है, हूँ जीव हूँ ऐसा विकल्प, ये विकल्प है सब है,
मैं जी हूँ, अजीव है, अथर्व है, बंध है, ये सब विकल्प, ये सब है ये, इसका ज्ञान करने में आता है। पर ये सब भेद 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 में रुक जाना, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, ये तो राग का विकल्प है, ये तो बीच में आया बिना रहता नहीं। पर तू ऐसी श्रद्धा यथार्थ कर कि ये जीव मैं हूँ, ऐसा विकल्प भी राग है, आत्मा तो निर्विकल्प स्वरूप है। मैं जीव हूँ, जीव हूँ, जीव हूँ, ऐसा विकल्प में रुकना तो निर्विकल्प स्वरूप होता ही नहीं। इसलिए ऐसा जीव तत्व, मैं जीव तत्व हूँ, मैं जीव तत्व, ऐसा विकल्प, ये राग, ये है ये। स्थूल जो विकल्प चलता है वेद विज्ञान का, उस अपेक्षा से हाँ, मैं जीव हूँ, अजीव है, ऐसा भेद का विकल्प होता है, ये तोड़ दे। मैं आत्मा ही बस, जे हूँ ते हूँ, ऐसा ग्रहण कर ले आत्मा का स्वभाव को। पर बीच में विकल्प आए बिना रहता नहीं। मैं ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चरित्र हूँ, पर ज्ञान दर्शन चरित्र उसका भेद का स्वरूप में नहीं है। ज्ञान दर्शन चरित्र सब आत्मा का स्वरूप एक साथ में है। तो ये क्रम सर विचार करते हैं, मैं ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चरित्र, ये सब भेद विकल्प है, वे भी राग है। ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चरित्र, इस भेद का विकल्प, इसमें रुक जाना तो भी राग का विकल्प है। इन्हें राग को तोड़ने के लिए सब है ये, अटके नहीं, भेद में अटके नहीं, इसलिए वहाँ ही का भेद में अटक जाता है, इधर राग का विकल्प है, इधर तोड़ दे तो निर्विकल्प दशा होती है। पहले आए पंच परमेश्वरी का ध्यान करे, ज्ञान दर्शन चरित्र का ध्यान करे, सब करे, पर ये तो रुक जाना है। ज्ञान दर्शन चरित्र, मैं ज्ञान दर्शन चरित्र स्वरूप आत्मा ही हूँ, एक स्वरूप है। ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चरित्र भी नहीं, सब भेद भी भीतर में गुण भेद ऐसा नहीं है। ये तो अखंड तत्व में ज्ञान दर्शन चरित्र गुण लक्षण भेद है, वास्तविक भेद तो है नहीं इसमें। गुरुदेव की टेप में आया था कि गुण भेद करना वो परद्रव्य है, परद्रव्य, कारण के विकल्प है, माटे परद्रव्य है। वचनामृत में एक बोल आता है कि पैसा पैसे को खींचता है, आत्मा में पुरुषार्थ करने की युक्ति आए तो काम बने। तो पुरुषार्थ करने की युक्ति से क्या भाव लिया? पुरुषार्थ करने की युक्ति अपने स्वभाव को पिछाने, ये स्वभाव को पिछाने कि मैं आत्मा हूँ, पीछे ये आत्मा को समझे तो ये पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ भीतर में ज्ञान सच्चा होता हो तो पुरुषार्थ भी साथ में आता है। सच्चा ज्ञान नहीं होता तो पुरुषार्थ भी नहीं होता। मैं नायक हूँ, यथार्थ समझे, यथार्थ स्वरूप द्रव्य को ग्रहण करे तो इसको पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को खींचते हैं। स्वभाव को समझे तो स्वभाव को ग्रहण करा तो इसके साथ में पुरुषार्थ भी होता है, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को खींचते हैं। मूढ़ी हाथ में आई तो ये साथ में सब सबको लाते हैं। ऐसे स्वभाव ग्रहण करा, द्रव्य का स्वभाव को ग्रहण करते तो साथ में पुरुषार्थ भी आता है। रुचि अनुयायी वीर्य, हाँ, रुचि अनुयायी वीर्य, जैसे रुचि ऐसा पुरुषार्थ होता है। इस तरह से इंसान के लिए बताया कि चार भाव भी हैं, छायिक भाव को भी है बताया, क्योंकि छायिक भाव को यही बताया है, एक छायिक भाव भी है पूर्ण, इसका स्वरूप है ही नहीं। क्षायिक भाव तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसको क्षायिक भाव कहते हैं। क्षायिक भाव का विकल्प है ऐसा, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा विकल्प अपना, ऐसा विकल्प नहीं करना। सब विकल्प है, हाँ? सब विकल्प जाल है, एकदम अखंड द्रव्य को कैसे ग्रहण करें? हाँ, ऐसा कठिन, ऐसा अखंड द्रव्य को ग्रहण करना अनंत गुणों का स्वामी हूँ मैं, ये विकल्प भी परद्रव्य है, तो ऐसे ये भेद नहीं पड़े और अखंड रूप को ग्रहण करें, उसकी कैसे युक्ति आए? अखंड पहला इस सब का ज्ञान तो होता है कि पांच भाव का मतेश्वर अवधि मन पर ज्ञान का सब ज्ञान कर ले, पची विकल्प आवे, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं दर्शन स्वरूप, मैं चारित, ये विकल्प में रुक नहीं, तो स्वभाव को ग्रहण कर ले। सब समझने के लिए तो सब आता है, शास्त्र में दृष्टांत आता है,
कि हार लेना है तो कैसा हार है, ऐसा है ऐसा है, ये बड़ा है छोटा है ऐसा है, विचार तो सब आता है, नए प्रमाण सब का विचार करके नक्की करे, पर पीछे भी विकल्प विकल्प करा करे तो ऐसा नहीं बची, जे स्वरूप है उसको ग्रहण करके शांति वेदने में आती है। क्रमबद्ध का सिद्धांत गुरुदेव ने बताया, बहुत खुशी हुई, इसकी गहराई में जाते हैं तो एकदम पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ दिखता है, ज्ञाता ज्ञाता कहीं आचार्य ने भी नहीं दिया ऐसा कहीं स्पष्ट, और गुरुदेव ने कितना अच्छा बताया, बहुत खुशी होती है क्रमबद्ध पर्यायी को जान के कि क्या ज्ञाता ही हूँ मैं, कुछ करना धरना कहीं कुछ है फालतू में मैं अपना पुरुषार्थ निकाल कर। हमारी तरफ बहन श्री बड़े बड़े विद्वान भी बहुत ऐसा विरोध करते हैं, एक क्रमबद्ध पर्याय होती ही नहीं, क्रमबद्ध पर्याय है नहीं, ये तो पुरुषार्थ को समाप्त कर देगी क्रमबद्ध पर्याय, ये क्या नया फैलाया। लेकिन हमें तो क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप जान करके ऐसा नहीं लगता कि उसमें पुरुषार्थहीन होता हूँ, बल्कि उसमें तो ज्ञाता स्वरूप रहने का जो उसमें तो कितना पुरुषार्थ करने में नहीं, कुछ ज्ञाता स्वरूप बनने में अलौकिक पुरुषार्थ, तो उसमें तो पुरुषार्थहीन का होता है, तो बहुत ही क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बता के गुरुदेव ने तो बहुत उपकार किया। तुम ज्ञायक हो, ये सब ज्ञाता हो जाए, कोई पर पदार्थ का कर्ता नहीं हो तो तुम ज्ञायक हो, ऐसा ज्ञाता का स्वरूप बताया है, ये पुरुषार्थ कम करने को नहीं बताया, गुरुदेव ने तो ज्ञायक का ज्ञाता का स्वरूप बताया, तुम ज्ञाता हो पर पदार्थ का कर्ता, तुम कोई करने वाला नहीं हो, कि तेरी इच्छा से कुछ होता ही नहीं, जो होने वाला होता है सब होता है, तू तो सब ज्ञायक हो जाए ज्ञाता हो जाए, ऐसा कहता था गुरुदेव। और लोग समझे नहीं तो क्या करता है कि क्रमबद्ध, इसलिए क्या करता है कि ये सब भाव होता है सब क्रमबद्ध, अशुभ भाव सब क्रमबद्ध, सब क्रमबद्ध, पर ज्ञाता तो हुआ ही नहीं, अरे पुरुषार्थ मंद करके बैठ जाता है, ज्ञाता नहीं हुआ और सब क्रमबद्ध 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 करते हैं, सब ऐसी शुष्कता करते है, पर ऐसा नहीं करना, ज्ञाता हो करके मैं ये सब होने वाला सब होता है ऐसा करना, ऐसे नीचे पड़ने को गुरुदेव नहीं बताया, गुरुदेव ज्ञाता होने को बताया है, ज्ञाता हो जा, पुरुषार्थ के क्रमबद्ध के साथ में पुरुषार्थ रहता है, मैं ज्ञाता हूँ ज्ञाता का पुरुषार्थ रहता है, वो क्रमबद्ध है, जो साथ में पुरुषार्थ नहीं रहता है वो क्रमबद्ध समझा ही नहीं है कुछ। जो सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति पूर्वक क्रमबद्ध को समझेगा तो उसको तो एकांत पुरुषार्थ नजर आएगा, ऐसा पुरुषार्थ उसमें आता ही, भगवान ने देखा है क्रमबद्ध पुरुषार्थ के साथ में देखा है, भगवान ने पुरुषार्थ जो जीव पुरुषार्थ करता है उसका भव का भाव होता है, जो ज्ञायक का पुरुषार्थ करके ज्ञाता होता है उसको भव का भाव होता है, भाई ज्ञायक का पुरुषार्थ करते नहीं और क्रमबद्ध करते हैं तो क्रमबद्ध ऐसे तो नुकसान होता है, ऐसे अब समझे नहीं तो नुकसान हो जाए, सवेरे में वो इंद्रिय विषय इंद्रिय ज्ञान को परद्रव्य कह के छुड़ाया, भगवान की दिव्य ध्वनि को भी छुड़ाया, तो ऐसा सुन के वो साथ समन करना छोड़ दे तो अपना ही नुकसान होने वाला, तो नुकसान हो जाए, तो पर्याय का ज्ञान छोड़ दे तो नुकसान हो जाए, तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं सुनना ऐसा कर दे तो नुकसान हो जाए, तो गुरुदेव तो वस्तु का स्वरूप बताया है, इतना जोर से बताता था कि सबको शुभ भाव का अशुभ भाव सब का आग्रह टूट कर मैं तो एकला निर्विकल्प स्वरूप हूँ ऐसी श्रद्धा करने को, एवं जितेंद्र का स्वरूप बताने को कहा है, सब दिव्य ध्वनि सुनने का छोड़ देने का नहीं बताया है कि दिव्य ध्वनि पर मत सुन और कहीं कर मत, ऐसा करने को नहीं बताया, नीचे पड़ने को नहीं बताया, आग्रह छुड़ाने के बावजूद भी सुख उत्कृष्ट होता है, यदि गुरुदेव को सही हम अर्थ में समझे तो आग्रह छुड़ाने के बावजूद भी सुख उत्कृष्ट होता है, जो आग्रह सही कारों को ही माने आग्रह जैसे सुभाव का आग्रह है उस समय ऐसा उत्कृष्ट सुभाव नहीं होता, उसका आग्रह छूट जाए तब देखने में आया कि अलौकिक सुभाव होता है, इसका अलौकिक होता है, सुभाव को आग्रह है शुभव करना ऐसी क्रिया करना ऐसा करना, तो ऐसा ऐसा भाव होता ही नहीं होता, तो सहज शुभ भाव आता है, भगवान की भक्ति होते तो सहज शुभ भाव इसको आता है।
जिसने केवल ज्ञान प्रकट किया है वितरागी भगवान, इसके ऊपर भक्ति आए बिना रहते, जब वितराग नहीं हुआ तब इसको भक्ति प्रशस्त राग सब आता है। गुरुदेव ने तो पर्याय को गौण करके द्रव्य का स्वरूप बताया, उसको समाप्त खलास करके नहीं बताया, खलास नहीं करके नहीं बताया, इसके चारे तरफ थी वाणी जो सुनने में आवे तो उसमें चारे तरफ कुछ सब आता है गुरुदेव की वाणी में। ज्ञानी की अंतरंग और बाह्य कैसी दशा होती है इस प्रकार? ज्ञानी की अंतरंग और बाह्य दशा कैसी होती है? इसके अंतरंग की दशा तो दूसरी प्रकार के भेद ज्ञान की धारा रहती है, इसको निरंतर सहज रहती है। इसका नायक की धारा जब जब जो विकल्प रूपते सबसे नायक 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 विकल्प रूप नायक ने परिणति रूप नायक, जैसे एकत्व बुद्धि अनादि से चल रही, इसको भेद ज्ञान की परिणति सहज चल रही है, ये चल इसी सहज पुरुषार्थ से सहज इसके भेद ज्ञान की परिणति सहज चलती है। और बाहर में सब देखने में आते हैं, इसका अंतर तो जो ग्रहण करे उसको पकड़ने में आते, बाकी बाहर से तो सम्यक दर्शन ज्ञानी गृहस्थाश्रम में होवे तो इसका परिचय होवे तो ख्याल में आवे कि इसका हृदय भीतर में क्या है। बाहर में तो सब गृहस्थाश्रम में पड़ा तो पहचानने का मुश्किल पड़ता है कि क्या है ये, बाहर से तो बाह्य दशा देख के पहचान नहीं, अंतरंग की दशा इसको परिचय करे तब ख्याल में आता है। चक्र चलाते हैं तो बाहर से तो देखने में नहीं आता, इसका अंतर क्या है, इसकी परिणति इतनी ज्ञान सम्यक दृष्टि के ज्ञान वीरा की शक्ति कोई भीतर में कोई अलौकिक होती है, इसे ज्ञान की और वैरा की शक्ति बहुत अलौकिक होती है भीतर में से। आपके वचनामृत में भी ज्ञान और वैराग्य की धारा का कई बार उल्लेख है, अभी आपने भी बोला ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान और वैराग्य साथ चलता है ज्ञानी के जीवन में, उससे क्या भाव लेना? ज्ञान सच्चा ज्ञान वस्तु का क्या स्वरूप है, मैं एक नायक हूँ, विभाव मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो नायक स्वरूप हूँ, ऐसे नायक को यथार्थ पहचान करके इसे नायक को ग्रहण करके इसे विरक्त होता है, विभाव से विरक्त हो गया, सब विभाव से विरक्त हो गया, वैराग भीतर में से न्यारा हो गया, जो जो कार्य होता है बाहर में और भीतर में जो जो विकल्प सबसे न्यारा हो गया है, ये कोई अलौकिक न्यारा हो गया है। कि ज्ञान भी कोई अलौकिक नायक ग्रहण करके इसे ज्ञान की और वैराग की धारा निरंतर चलती है, इसका हृदय ऐसा शुष्क नहीं होता, वैराग की और ज्ञान की धारा निरंतर चलती है। गृहस्थाश्रम में हो तो मैं कभी मुनि हूँ कभी केवल ज्ञान होवे इसकी भावना और बारम्बार भीतर में जाने की भावना इसके अंतर में से बहुत है, परिणति तो निरंतर चलती है इसके, कभी कभी निर्विकल्प दशा होती है, भेद ज्ञान की धारा निरंतर रहती है, शुष्क नहीं रहती, शुष्क नहीं होता, शुष्क नहीं होता है। इसीलिए कहा है कि द्रव्यानियों और चरणानियों की मैत्री जीवन में चलती, द्रव्यानियों द्रव्य को स्वरूप को ग्रहण करा और चरण इसमें साथ में परिणति भी इसकी शुद्ध रूप रहती है, जितनी परिणति इतनी शुद्धि होगी इतनी तो साथ में रहती है। इसको नानी को हृदय में अशुभ तो गौण हो शुभ भाव रहता है, परंतु बाहर क्रियाओं में तो देखने में आता है, पर इसका रस सब रस टूट गया है नानी का, तो शुद्धि अंतर में रहती, स्वरूप आचरण चरित्र भीतर में हुआ है इसको। आचार्य देखो तू नीचे नीचे क्यों पड़ता है, हमें तो अमृत कुंभ की बात तीसरी भूमिका की बात करते हैं, तो प्रतिक्रमण को हम विष कुंभ कहा है, तो अपन नीचे पड़ने को नहीं है, तीसरी भूमिका तुम शुद्ध निर्विकल भूमिका को प्रकट कर इसलिए कहा है,
तो ये नीचे पड़ता है जीव, और द्रव दृष्टि को ग्रहण करके कुछ है नहीं हुए नहीं ऐसा करता है। स्वभाव विस्कुंभ है वो ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के तीसरी भूमिका और दूसरी है, इसको तू जान, इसकी श्रद्धा कर, उसमें जा, इसके लिए अशुभ में जाने को नहीं कहा है। एक बात ग्रहण करे दूसरा को छोड़ देता है, सब नक्की नहीं करते। तो ये भावना है कि गुरुदेव का सानिध्य भी हमें मिला और आपके साक्षात अमृतवाणी, तो हम अपने हमारे परिणति भाई से अच्छे स्वरूप में चली जाए तो ही हमारा जीवन सफल है, यथा श्रद्धा यथा रुचि और यथा निर्णय सब यथार करके इसका निश्चय करने पीछे आगे जाता है। यथा श्रद्धा चारे पढ़ के नक्की करे कि मैं के कौन हूँ, मैं एक नायक स्वभाव, मेरा द्रव्य गुण पर्याय कैसा है, ये पुद्गल विभाव सब कौन है, ऐसा यथार्थ भीतर में से निश्चय करके ऐसी रुचि बढ़ाने विरक्त हुए विभाव से तब होता है। तो पुरुषार्थ करे तो कोटा शिविर लगा था। अच्छा। मेरे को कुछ मालूम नहीं था, मामा जी के माता जी के साथ आया था ऐसे ही साधारण, तो समय सार की स्तुति होने के बाद वो बीच में बैठा था, मैं पंडाल के गुरुदेव श्री की दृष्टि पड़ी, आज से 14 साल पहले तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा उम्र है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उस समय साल की देखे बोला वे तुम्हें तो देखा ही नहीं था नहीं? आपके दर्शन के बाद कमी भी ऐसी लग गया पूर्ति होगी जैसे अपना दर्शन रोकाना तो समझ रुक गया ने तो ठीक है लाभ मिला। सुने तो सब एक ही टसे वो सुनते रहते थे, इतना आवाज भी नहीं और सब शांति से बैठ, इतने बहुत सभा हुए तो भी कोई आवाज नहीं काहे नहीं, सब शांति से सुनते थे, इतनी अपनी वाणी का इसका सब कोई आत्मा की बात करते है वैसी के सबको आश्चर्य लगते, सब आश्चर्य के साथ सुनते रहते देखते रहते, नहीं समझे तो देखते ही रहते थे, इसके इसकी वाणी ऐसी थी, इसकी आत्मा की बात करें इतना प्रभावशाली और इसकी वाणी भी ऐसी, इतना सब होते हुए भी बहन श्री उन पे करुणा आती है, जो लोग अभी गुरुदेव का विरोध करते हमें तो बहुत सहन करना पड़ता, मंदिर में घुसने नहीं देते
एक साल पहले तो ऐसा इसी पिछले तरस में ऐसे जूता मारने लगे थे, बदमाशों को लाके खड़े कर देते, ऐसे दूर से बोलते वो देखो 25 वर्ष देखा गया था, हमारे को निकलना मुश्किल हो जाता। बहुत ही बहुत प्रतिकूलताओं में रह करके भी एक गुरुदेव का तत्व ऐसे खून में मिला हुआ है तो बदलाव नहीं आता, नहीं तो बदल जाए जीवन। इतना विरोध करते हैं, खुला ऐसा गुरुदेव को बोलते हैं, गालियां देते हैं, हृदय फट जाता है। बहुत विरोध करते हैं। पच्चीस में तीर्थंकर आए कोई पैदा ही नहीं, उनको समझाते बोले साहब नहीं वो तो विदेह क्षेत्र के मानते, बोले कुछ भी हो ऐसा कैसे, बहुत दिमाग विरोध तो पहले से ही था परंतु अभी बहुत ज्यादा इसलिए बन गया, शास्त्र फेंक देंगे ऐसा कर देंगे। अब तत्व में तो कहीं उनको बता नहीं सकते, वो उनकी हिम्मत नहीं बताए तो अपन प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए तो अपन को चुप रहना।